पूरा मैंने जो है बंद हो गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे दोस्तों, आज बात करने वाले 1500 वाट ECDC सबमर्सिबल वाटर पंप के ऊपर। प्रेशर आपने देखा काफ़ी ज़बरदस्त प्रेशर है, और इसको अगर आप लगाते हो 60-65 फुट पे तो ये आपको 2 इंच प्रेशर के साथ पानी देगा, चाहे इसको आप सोलर पे चलाएं चाहे इसको आप बिजली पे चलाएं। तो बिजली में इसके जो है एम्पायर काफ़ी कम होते हैं। ज़्यादातर लोग ये पूछते कि ये जो ECDC मोटर होती है ये बिजली भी चल जाती, तो ये मैं अभी बिजली पे चला रहा हूँ, आपको मैं दिखा दूँगा। और इसको आप कौन से बोर में डाल सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूँगा। इसको अगर आप लगाते हो 60-65 फुट पे तो ये आपको प्रेशर के साथ 2 इंच पानी देगा। शर्त ये कि आपके सोलर अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग सोलर ले लेते हैं वो 5-10 हज़ार बचाने के लिए जो ना बी ग्रेड सोलर ले लेते हैं, तो वो कभी कभार काम नहीं करते। तो इसके साथ ये कंट्रोलर है, जो नीला कंट्रोलर होगा ना वो ECDC का होते हैं, और जो सिर्फ सफ़ेद कलर का होते हैं ना वो सिर्फ जो DC मोटर होती है उसका होते हैं। तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा कि इसको जो ना आप कितने सोलर पे चला सकते हो, और बिजली आपकी सिंगल फेज बिजली यहाँ पे आप चेक करें, ये दो जो ना जो लिखे हुए DC प्लस और DC माइनस, यहाँ पे आप सोलर का कनेक्शन कर सकते हो। जहाँ पे ये दो वायरें लगी हुई है ब्लैक वाली, यहाँ पे आप बिजली का कनेक्शन कर सकते हो। और ये जो तीन तारे आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे आप जो ना कनेक्शन करोगे, जो आपका मोटर है उसका कनेक्शन करोगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं आपको मुकम्मल डिटेल से बताऊँगा, और इसको हम फिलहाल जो ना बिजली पे चलाएंगे वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, और उसके बाद जो जिस बोर में डालेंगे ना, जो बोर में आप डाल सकते हो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ये देखें, ये सिंगल फेज़ कनेक्शन है। तो अभी इसको हम जो है थोड़ा सा चलाएंगे, आपको प्रेशर भी दिखाएंगे और इसकी जो ना वोल्टेज और एम्पायर वगैरह भी दिखाएंगे, RPM भी दिखाएंगे। ये आप चेक करें, इसका 2 इंच प्रेशर, और मैं आपको दिखा देता हूँ RPM वगैरह भी दिखा देता हूँ। RPM काफ़ी अच्छे जा रहे हैं, RPM ये देख सकते हो, ये 3800 पे जा रहे हैं। तो ये पाइप लगा हुआ है 2.5 का, ठीक है, 2.5 का पाइप लगा हुआ है, और पाइप भी ऐसे ही लगाई हुई है। मैं आपको ज़रा चेक करा देता हूँ इसकी, चेक करें, ये इस टाइम इसको वोल्टेज मिल रहा है, और ये इसके एम्पायर है, एम्पायर 5-6 से ऊपर भी जाते हैं। ये वाट ले रहे हैं, क्योंकि अभी इसको हम बिजली पे चला रहे हैं, ये वाट ज़्यादा ले रहे हैं। RPM ज़्यादा होंगे तो वाट ज़्यादा होंगे, इसमें मसले मज़े की बात ये होती है ना, इसको अगर आप सोलर ज़्यादा लगा देते हो ना तो वाट ज़्यादा होंगे, तो भी मसला नहीं होगा आपके मोटर को, और पानी का प्रेशर काफ़ी अच्छा होगा। ये चेक कर सकते हैं, मैं दोबारा दिखा देता हूँ, वाट है, ये RPM है 3800, और ये इसकी वोल्टेज है, और ये एम्पायर है, और ये आप पानी देख सकते हो, काफ़ी ज़बरदस्त पानी है। प्रेशर के साथ ये 2.5 का पंप लगेगा, पाइप लगेगा, तो 2 का मैं नहीं लगा, वो 2 का थोड़ा सा ये होगा ना, 2 में थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाएगा, तो सॉरी ज़्यादा हो जाएगा प्रेशर, और 2.5 में थोड़ा सा प्रेशर आपको कम नज़र आ रहा होगा। तो उम्मीद करूँगा जो ना आपको ये भी पसंद आई होगी। प्रेशर भी देखा, एम्पायर भी देखे, वाट भी देखे, वोल्टेज भी देखे, इसको अभी हम चला रहे थे बिजली पे। अच्छा, अब मैं आपको बोर के बारे में बताऊंगा, कि ज़्यादातर लोग ये पूछते कि इसके लिए बोर कौन सा होना चाहिए और इसका बोर हम कहाँ से कराएं। एक तो ये ना कि मैं सिर्फ बोर की वीडियो अपलोड करता रहता हूँ चैनल पे, बोर हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो बोर आप अपने इलाके में करा लिया करें, अपने इलाके में किसी बंदे से करा लिया करें, ठीक है। तो बोर का हर इलाके का अपना मुख्तलिफ रेट होता है। अगर यहाँ से आप लोग कहते हैं कि बंदा भेजे, तो उसमें मसला ये ना कि आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि आने जाने किराया भी आपको देना पड़ता है, और किराया सिर्फ ये नहीं होता कि बंदों का होता है, ये जो सामान भी उठा के लेके जाना पड़ता है इसका भी आपको किराया देना पड़ता है, तो ये काफ़ी महंगा पड़ जाता है। तो कोशिश करें बोर अपने इलाके से, अपने इलाके में किसी से भी करा लिया करें। ज़्यादातर इलाकों में ऐसा होता है कि हाथ का बोर होता है, तो वहाँ पर जो ना वो 5 इंच का बोर नहीं होता है। अगर 5 इंच का बोर नहीं होता है तो आप कम से कम 4 का लाजमी कराया करें, जिसमें 4 इंच का केसिंग आप डाल सकते हो आराम से। अगर 4 इंच का बोर भी हुआ ना, तो उसमें भी आप ये मोटर आराम से डाल सकते हो, लेकिन बेहतर रहता है, जैसे ये आपको केसिंग नज़र आ रहा है ना, ये केसिंग 5 इंच का, अगर 5 इंच का बोर करा लेते तो बेहतरीन है। और अगर 5 नहीं होता है, जहाँ पे मैंने पहले ही बताया था कि हाथ के बोर होते हैं, अगर हाथ के बोर हो रहा है ना वहाँ पे, अगर आपको जो ना बोर 4 इंच के करके देते हैं, तो उनको ये कहा करें कि मेहरबानी करें, एक तो बोर आप थोड़ तक, मिसाल के तौर पर अगर आप 100 फुट बोर कराना चाहते हो, 100 फुट बोर, तो वो थोड़ तक 100 फुट बोर 4 इंच का ही होना चाहिए, और उसमें केसिंग जो है ना वो 4 इंच का ही डालें,
क्योंकि ज़्यादातर इलाकों में ऐसा था कि सेम तक तो बोर होते 4 इंच के, उसके बाद फिर वो जहाँ से पानी शुरू हो जाता है उसके बाद पानी का जो बोर करते हैं ना वो करते हैं 2.5 का, तो 2.5 में आप मिसाइल मोटर नहीं डाल सकते। इसी में आ जाते लेकिन डीसी में तो बिल्कुल भी नहीं आते। डीसी में जो कम से कम फ़िलहाल आ रहे हैं मोटर वो आ रहे हैं 3 इंच के, तो वो 3 इंच का तो आप घरेलू इस्तेमाल के लिए लगा सकते हो, लेकिन अगर आप जो ना ज़मींदारी के लिए लगाना चाहते हो तो फिर आप वो नहीं डाल सकते हो, दूसरी मोटर नहीं डाल सकते हो, क्योंकि ये जो मोटर होती ना 2 इंच वाली, 2 इंच वाली मोटर होती ना वो आप जो ना 3 इंच में नहीं डाल सकते हो। अगर आप 3 इंच में नहीं डाल सकते तो फिर आपके बोर का फ़ायदा ना हुआ, तो आपका वो बोर जो है ना ज़ाया हो गया। तो अगर आपका बोर 4 इंच हो तो उसमें भी आप डाल सकते हो 5 इंच। देखें ये जो लोहे का केसिंग आपको नज़र आ रहा है ये 6 इंच का है, इसमें ये जो पाइप डाला जा रहा है ये हम डाल रहे 5 इंच का। जब आप बोर करते हो ना उसका 4 इंच का, उसमें जो केसिंग होगा लोहे का वो होगा 5 इंच का, लेकिन उसमें जो आप बोगी वगैरह मारते हैं ना वो होती 4 इंच की, तो उसमें आप आराम से केसिंग डाल सकते हो 4 इंच का। तो अगर 5 का डाल दिए तो वो तो फिर बेहतर है। 4 इंच से लेके बड़ा जितना मर्जी बोर हो, 4 इंच हो, 5 इंच हो, 6 इंच हो, 7 इंच हो, जितना बड़ा मर्जी बोर हो उसमें आप डाल सकते हो, लेकिन 4 से कम इंच बोर में आप इसको नहीं डाल सकते हो। अगर आप घर के लिए बोर कराना चाहते हैं तो बेशक फिर अगर आपका चुने अगर आपका जो 4 इंच का बोर नहीं होता है तो बेशक आप 3 का करा ले, 3 में आपको मिल जाएगा, उसमें आपको जो ना 300 वाट का भी मिल जाएगा, 400 वाट का भी मिल जाएगा, डीसी में 750 वाट का भी मिल जाएगा, 600 का भी मिल जाएगा, और उससे बड़ा 1500 का भी मिल जाएगा। 1500 वाट जो है ना आपको 1.5 इंच पानी देगा, लेकिन उसका प्रेशर नहीं होता, प्रेशर बहुत कम होते हैं। तो कोशिश करें आप बोर जब भी कराएं, एक तो बोर जो है थोड़ा सा कराया करें, जो भी आप बोर कराना चाहते हो 3 इंच का कराना चाहते हो, 4 का कराना चाहते हो, क्योंकि ज़्यादा जो देही इलाके वहाँ पर बोर अभी भी वही मैं आपको बता रहा था जो पुराने सिस्टम उसी पे बोर होते, क्योंकि वहाँ पे लोग लगाते हैं मोनो ब्लॉक। तो मोनो ब्लॉक का तो आपने सिर्फ पाइप डालना है ना, जो अपना होता है इंजेक्टर पंप, उसका तो आप सिर्फ जो ना पाइप डालते हो बोर के अंदर, लेकिन ये जो मिसाइल पंप होता है ये तो पूरा उसके बोर के अंदर डालना पड़ता है, इसलिए जो ना इसके लिए बोर बड़ा होना चाहिए। तो ये आप कभी भी जो ना किसी के ऊपर जो ना वो किसी की बातों के ऊपर वो ना जाया कर, क्योंकि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि यार यहाँ पे जो ना वो बोर अगर आप 2.5 का करते हो तो वो बेहतर रहते हैं, और 3 का करते हो तो उसके ऊपर ख़र्चा ज़्यादा आते हैं। पैसे आपसे उसने उन्होंने वही लेने जो वो लेना चाहते हैं, लेकिन बोर आपको अगर वो छोटा करके दे देंगे तो वो बोर कल आपका वो किसी काम का नहीं होता। तो कोशिश करें जब भी आप बोर कराएं 3 का थोड़ तक कराया करें, 4 का थोड़ तक कराया करें, ठीक है, इससे कम ना कराया करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।